नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऑटो ड्राइवर से मिलवाऊंगा जिसने केजरीवाल की जो है धज्जियां उड़ा दी हैं, उसको नौटंकीबाज कहा है, उसको भ्रष्ट कहा है, उसके पूरे मंत्रिमंडल को जो है भ्रष्ट कहा है। पहले आप ये ऑटो देख लीजिए, इस पर लिखा क्या है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। नौटंकीबाज केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्रियों की तुलना भगत सिंह से करके भगत सिंह का अपना अपमान ना करे केजरीवाल, हाय हाय। तीसरे दर्जे की आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक स्तर को गिराया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, आप यहाँ पे अभी मैं मिलवाता हूँ। तो ये हैं इस ऑटो के ड्राइवर, और इन्होंने यहाँ पे ये जो चीजें लिखवाई हुई हैं, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने ये जो ऑटो कम बाहर ये जो चीजें लिखवाई है, क्यों लिखवाई है? आप केजरीवाल से किस तरीके से परेशान है या फिर उनके मंत्रिमंडल से, बताइए। जब केजरीवाल सरकार आई थी 49 दिन थी, मैं उससे पहले का मेंबर हूँ 2013 से। आपके पास कोई सबूत है मेंबरशिप का? मेरे पास ये प्रूफ है, मैं 2013 में इनकी पार्टी का इसलिए मेंबर बना था। मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये प्रूफ है, यहाँ पे इनका नाम और सब कुछ लिखा हुआ, और तारीख भी यहाँ पे लिखी हुई है कब से ये आम आदमी पार्टी के मेंबर है। हाँ, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हम ये सोच के बने थे कोई अच्छी पार्टी आई है, क्योंकि हम कांग्रेस का शासन 15 साल रहा, और लास्ट का उनका जो भ्रष्टाचार का शासन था उससे दुखी होके परेशान थे। तो हमने सोचा नई पार्टी आई है, अच्छी पार्टी होगी। तो अच्छा, पार्टी तो अच्छी है, दुनिया अपना देश के सभी नागरिक कहते हैं हमें तो फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, और भी कई चीजें फ्री में, महिलाओं को बस में सफर फ्री मिल रहा है, तो क्या दिक्कत हो गई? केजरीवाल फ्री नहीं दे रहा, लोग फ्री दे के लोगों की वोट खरीद रहा है। ये सत्ता का वो लोभी आदमी है। अब ये फ्री की रेवड़ी नहीं, अगर ये सत्ता इसको चाहिए तो ये देश को भी बेच देगा। वो है केजरीवाल, देख तमाशा कट्टरवादियों का, चले गए जेल। और आपने ये जो लिखवा रखा है भगत सिंह, ये क्या है, क्या चीज है भगत सिंह का अपना? ये आदमी हमारे भगत सिंह को बदनाम कर रहा है, ये भगत सिंह के पैर की धूल भी नहीं है, और ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। भगत सिंह था देशभक्त, ये है देशद्रोही। भगत सिंह था ईमानदार, ये है कट्टर बेईमान। बेईमान कहते हैं, दिल्ली की जनता तो कहती है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इनकी सरकार पंजाब में भी बन गई है, पंजाब में देखो क्या, पंजाब में केजरीवाल खालिस्तानियों से मिलके अपनी सरकार बनाया है। आज पंजाब में जंगल राज शुरू है, हमारे 19 हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है पंजाब के अंदर। पंजाब में तो वो जंगल राज हो चुका है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो आम आदमी पार्टी सरकार है या केजरीवाल जी हैं, आप एक ऑटो ड्राइवर होते हुए, केजरीवाल जी ये कहते हैं हमने ऑटो ड्राइवरों के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं, तो आप क्यों नाराज हैं, क्या दिक्कत आपको? हाँ, बहुत अच्छे काम जो किए हैं वो मैं बताता हूँ। हाँ जी बताइए। ओला उबर इतनी ला दी, और छोटी सवारी बैठने खत्म कर दी, और वोट बैंक की राजनीति करने वाले केजरीवाल ने जो लेडीज को बस में फ्री किया है, हमारे पेट पे लात मारी है, ये वोट बैंक की राजनीति करता है सिर्फ केजरीवाल। इससे गंदा आदमी मैंने आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखा। मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, नेताओं की नहीं। नेता तो कितने होंगे, लाख दो लाख, 135 करोड़ पे आएगा, ये इतना गंदा इंसान है केजरीवाल जी तो कहते हैं झूठा है। हमने ऑटो ड्राइवरों को कोरोना काल में 5000 रुपए दिए, इनकी फिटनेस फ्री कराई, इनका डिम्स जीपीएस ये फ्री कराया, फिर भी आप उनसे नाराज हैं, क्या ऐसा क्या कारण है? तो 5000 दे के क्या इसने हमें खरीद लिया? हम इसकी गलत बात को सहन करते रहेंगे? क्यों सहन करेंगे? शीला ने अपने टाइम में ऑटो को बंद कराना चाहा, लेकिन कभी किराया नहीं रोका हमारा। 3 साल में 4 साल में हमारा किराया बढ़ जाता था, रात को बढ़ता था, सुबह लेने का अधिकार होता था। इस आदमी ने 28 अक्टूबर को किराया बढ़ाया, और परमिशन कब दी? 12 जनवरी को। क्या ऐसे ही बढ़ता है? हम लोगों ने 18 अप्रैल को हड़ताल की थी किराया बढ़ाने के लिए, सीएनजी के रेट तो बहुत जल्दी डबल कर दिए, और किराया बढ़ाने में इसे इसने हमें लगा दिए 9 महीने। हमारी जेब से हर महीने 4500 रुपया फालतू जा रहा था। तो देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है, देर आए दुरुस्त आए। तो ये जो किराया बढ़ा, बहुत अच्छा किराया बढ़ा दिया, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे पे एहसान किया है, पहले सीएनजी के रेट डबल किए, और फिर
हमने तो सब्सिडी मांगी थी कि हमें सीएनजी पे सब्सिडी मिले जिससे किराए का बोझ जनता पे ना पड़े, लेकिन इस आदमी ने सब्सिडी नहीं दी और मजबूरी में फिर हमें किराया एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी जेब से 300 रुपए गैस के डेली जा रहे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये दिल्ली के अंदर घूम घूम के आप देख सकते हैं, ये पीछे इन्होंने अपने ऑटो के पीछे लिखवा रखा है नौटंकीबाज केजरीवाल, और केजरीवाल की जो है जो भी इनके हिसाब से जो उन्होंने लिखवा रखा है वो बिल्कुल सही है, उसकी केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं पूरी दिल्ली में घूम घूम के, जो भी इनसे अगर कोई पूछना भी चाहता है उसको बताते भी हैं। तो ये हैं ऑटो ड्राइवर हैं, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खजान सिंह है। आप कितने साल से ये ऑटो चलाते हैं? मैं 26 साल से चला रहा हूँ। अब के जमाने में या आज से करीब 8-10 साल पहले के जमाने में कोई आपको अंतर दिखाई देता ऑटो? हाँ, 10 साल पहले हम जो है अच्छा कमा के ले जाते थे, लेकिन केजरीवाल ने ऑटो वालों को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल का काम है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल किया और फेंक दो। तो आने वाले समय में आप केजरीवाल को दोबारा वोट देंगे या नहीं देंगे? हम तो इसके मतलब आने वाले 2024 में 2025 में दिल्ली से केजरीवाल को हमने ठान रखा है, ऑटो वाले ही लाए थे, ऑटो वाले ही भगाएंगे। तो दोस्तों ये खासा नाराज हैं केजरीवाल सरकार से, और इन्होंने अपनी गाड़ी पे भी देखिए क्या क्या लिखवा रखा, और ये बिल्कुल आने वाले समय में केजरीवाल को तो खैर वोट देने वाले नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिल्ली सरकार से परेशान है। और इनका नाम है खजांची और ये एक ऑटो ड्राइवर है, और इन्होंने जो लिखवा रखा है घूम घूम के पूरी दिल्ली को ये बताते हैं, केजरीवाल की जो हकीकत है वो यहाँ पे दिखाते हैं जैसा इनका कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे चैनल पे आए। धन्यवाद।